हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुब्रत प्रधान एंड आई वेलकम यू टू टुडेज क्लास। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक यूजफुल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैजिक स्क्वायर, हाउ टू सॉल्व मैजिक स्क्वायर। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम ट्रिक्स टू सॉल्व द मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, और ये ट्रिक्स कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होने वाले हैं। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ट्रिक समझ में आएगा, जो कि बहुत कम टाइम में विद इन सेकेंड आप एक मैजिक स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं और ये 100% करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए, यूज़ द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 टू फिल द स्क्वायर इन सच अ वे दैट ईच लाइन एड्स अप टू 15, नो नंबर्स विल बी रिपीटेड। Here three things you have to remember, that you will use the digits from 1 to 9. आपको 1 से लेकर 9 तक digits use करना है, then the addition will be 15, and the third condition is no numbers will be repeated. ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है और हमें ये magic square को fill करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ pre-filled numbers हैं ये magic square में। 3 into 3 वाला square है जिसमें 3 length में और 3 breadth में, ये magic square ऐसे ही आते हैं 3 into 3 वाला। तो यहाँ कुछ पहले से प्रीफिल्ड है तो इससे थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन हियर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ 2 नंबर दिया गया है और हमें एक लाइन को ऐड करने पर हमें एडिशन 15 होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो रहा है ये 8 plus 3 11 11 हो रहा है और तीनों को मिलाने पर 15 होना चाहिए। तो थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, व्हाट कैन वी डू। हाँ, हम टोटल जो 15 होगा उससे ये दोनों को अगर सेपरेट कर लेंगे, मतलब तीनों को मिला के 15 होना चाहिए एंड दो का एडिशन 11 हो रहा है, तो उसको आप माइनस कर दीजिए, ये आ गया 4। तो यहाँ आपको एक नंबर मिल गया 4। ठीक है, अभी हमें 3 नंबर मिल चुका है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन, 9 plus 4 13। सो वी नीड हाउ विच नंबर टू मेक इट 15। अभी 15 करने के लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए, 9 plus 4 13 14 15 2, इट विल बी 2। इतना समझ में आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन, अभी देखिए ये दो नंबर फिलअप है, फिल्ड ऑलरेडी है 9 and 1 10, तो यहाँ कितना होगा 9 1 10, 10 plus 5 15। ओके, नाउ अभी देखिए बहुत इजी हो गया, 5 plus 3 8, और कितना होने पर 15 होगा, 15 minus 8 कर दीजिए 7, तो यहाँ आ गया 7। नाउ द लास्ट वन, 7 plus 2 कितना हो रहा है, 9, 15 से 9 को माइनस करिए, ये हो जाएगा आपका 6, 6 ये हमने फिल कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, क्योंकि हमको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, हमने अभी मैजिक स्क्वायर को बना दिया लेकिन हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। देखते हैं, 9 plus 4 13 plus 2 ये 15 हो गया, 5 3 8 plus 7 15 हो गया, 8 1 9 6 15 हो गया, सीधा करेंगे तो 7 2 9 plus 6 15, 9 5 14 plus 1 15, 4 3 7 plus 8 15। अब ये तो लेंथ और ब्रेथ में हो गया, अब थोड़ा सा हम डायगोनल चेक कर लेते हैं, क्या पता वो ना हो, 4 plus 5 9 9 plus 6 15, 2 plus 5 7 7 plus 8 15। मतलब हम किसी भी एक लाइन में अगर हम लेंगे 3 नंबर, सो वी विल गेट द नंबर 15। ये है ना इंटरेस्टिंग। आप इजीली अगर 2-3 नंबर दिया गया है उसमें अगर फिल किया गया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीका को फॉलो करके, दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द थर्ड नंबर। इस तरीके से हम 3 into 3 वाला जो 3 और 3 में है मैजिक स्क्वायर, यू कैन इजीली सॉल्व द मैजिक स्क्वायर एंड गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नाउ द नेक्स्ट वन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको प्रीफिल्ड बिल्कुल भी नहीं दिया गया होगा, दिस विल बी अ ब्लैंक मैजिक स्क्वायर। सपोज आपको ब्लैंक पूरा मैजिक स्क्वायर दिया गया, ये टोटल ब्लैंक है और सिंपल यही सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि यूज द डिजिट फ्रॉम 1 to 9 टू फिल द मैजिक स्क्वायर इन सच ए वे दैट ईच लाइन एड्स अप टू 15, नो नंबर्स विल बी रिपीटेड। अभी आप कहीं भी किसको अरेंज कर सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए एंड लाइन के टोटल 15 चाहिए। तो हम कैसे करेंगे,
आप ये तो याद नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर कहाँ था और उसको डालेंगे, तो दैट विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि कभी कभी गलत होने का चांसेस है। आप ट्रायल एंड एरर करके, ट्रायल करके भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करोगे आप तो वो भी कभी कभी गलत हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ एक ट्रिक की बात करते हैं जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है ट्रिक, और बहुत ईजी भी है, जो आपको मज़ा आएगा और आपको सीखने को मिल जाएगा कि कैसे हम मैजिक स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले करना क्या है, आपको देखना है कौन कौन सा नंबर फिल करने को कहा गया है। ध्यान से देखिए, प्लीज़ लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें नंबर फिल करना है 1 to 9, तो क्या करेंगे हम, पहले हम यहाँ लिखेंगे, आपको सिंपली वहाँ लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो जो नंबर आपको फिल करना है वो सिंपली आप लिख दीजिए। ठीक है, अब ये लिखने के बाद यहाँ आपको कुछ लाइंस खींचने हैं लाइक दिस। ये लाइन ऐसे खींचिए, फिर यहाँ एक लाइन खींचिए ऐसे, फिर यहाँ एक ऐसे लाइन खींचिए, और यहाँ एक लाइन ऐसे खींचिए। ये इतना हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये सीधा हम खींचेंगे इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, एंड वन मोर। ठीक है, ये आपको करना है। पहले 1 से 9 नंबर लिख दिए, फिर हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस लाइन खींच रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ आपको यहाँ वो नंबर को आइडेंटिफाई करना है जो कि ये बॉक्सेस से बाहर है। देखिए यहाँ ये कुछ बॉक्सेस क्लोज्ड हैं, ये बॉक्सेस क्लोज्ड हैं सब, ठीक है ना, ये सब क्लोज्ड हैं, लेकिन कुछ नंबर देखिए, ये एक नंबर, ये और ये चार नंबर देखिए बाहर हैं। बस इन्हीं चार को हम मूवमेंट करेंगे इनका, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे हम, देखिए ये 7 है, ये बाहर है, ये 7 जो है ये बाहर है, अभी यहाँ 7 था, तो उसको हम हटा के मिटा देंगे, इसको हम मूव करेंगे ऑपोजिट साइड में। ऑपोजिट साइड पे जो अंदर वाला बॉक्स है, अंदर में जो ऑपोजिट में, मतलब 7 को यहाँ मिटा के हम लिखेंगे यहाँ पर 7, और जो 3 है इसको हम शिफ्ट करेंगे अंदर के ऑपोजिट में, 3 आ गया यहाँ पर। ये समझ में आ गया मैंने क्या किया, यहाँ बाहर 7 था उसको मैं अंदर ले लिया, यहाँ 3 था उसको मैं इसके अंदर ले लिया। ऑपोजिट का अंदर लेना है, पास वाला नहीं, ऑपोजिट का। अभी ये दो भी बाहर है, 1 को हम शिफ्ट करेंगे कहाँ, ये उसका पास का अंदर है, ऑपोजिट का अंदर, 1 को दूर का अंदर जो है यहाँ ले आइए, यहाँ 1 को हमने मिटा दिया, 9 को हमने मिटा के इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 99% काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी हमारा मैजिक स्क्वायर रेडी हो गया, लेकिन तो ये टेढ़ा दिख रहा है, बस और कुछ नहीं करना है, इसको बस आपको सीधा कर लेना है और लिख लेना है। एक काम करते हैं, इसको सीधा करके यहाँ लिख देते हैं, इसके ऊपर कौन सा है स्ट्रेट में, देखिए इसको सीधा करेंगे तो 492 492, 357 357, 816 816, ये मैजिक स्क्वायर एक बार रेडी हो गया। थोड़ा सा हम इसको ऐड करके क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9 4 13 प्लस 2 15, 5 3 8 7 15, 8 1 9 6 15, ऊपर से नीचे 7 2 9 प्लस 6 15, 9 5 14 प्लस 1 15, 4 3 7 प्लस 8 15, डायगोनली भी होगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 15 है, और ये 5 2 7 8 15 है। तो बताइए व्हाट अबाउट दिस, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना सिंपल है ट्रिक। तो आप इसी तरीके से बस इसको अरेंज करके, अंदर का बाहर करके, यहाँ पर आप शिफ्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, नो फॉर्मूला, नथिंग एल्स, आपको बस ये नंबर्स को यहाँ लिख कर आपको निकालना है। ये खाली 1 to 9 के नंबर के लिए नहीं है, कोई भी नंबर अगर सीरियली आपको पूछा गया, सपोज़ मैं 2 to 10 पूछ रहा हूँ, ट्राई करते हैं 2 to 10, तो सेकंड कंडीशन है, सपोज यहाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, यूज द नंबर्स 2 to 10, 2 से 10 तक हम यूज करेंगे, एंड इनका एडिशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, विल बी 18। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हूँ, यूज द नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, एडिशन विल बी 18। इसका भी हम अभी निकालेंगे और वही ट्रिक निकालेंगे, लाइन खींचने वाला, देखिए कितना आसानी से वो निकलेगा।
टू से स्टार्ट करिए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हो गया। लाइन खींचते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब लाइन खींचिए इसमें, ये हो गया। नेक्स्ट ऐसे 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 और ऐसे, हो गया लाइन। अब हम क्या करते हैं, बाहर वाले को ऑपोजिट के अंदर में, ठीक है। टू को हमने यहाँ मिटा दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया टू, टेन को हमने यहाँ मिटा दिया, कर दिया शिफ्ट यहाँ टेन को, फोर को हमने बाहर मिटा दिया, शिफ्ट कर दिया यहाँ, एंड एट को हमने बाहर मिटा के शिफ्ट कर दिया यहाँ। आपके मैजिक स्क्वायर रेडी हो गया। शिफ्ट करते हैं यहाँ, देखते हैं क्या हो गया। ये लेट्स राइट द नंबर्स, फाइव टेन थ्री, फाइव टेन थ्री, फोर सिक्स एट नाइन टू सेवन, क्रॉस चेक इट। आप खुद क्रॉस चेक कर लीजिए ये करेक्ट है या नहीं। टेन फाइव प्लस थ्री एटीन, सिक्स प्लस फोर प्लस एट एटीन, नाइन प्लस टू प्लस सेवन एटीन, 100% करेक्ट। तो आप किसी भी नंबर को अगर वो सीरियली पूछा कि यहाँ से यहाँ तक यूज़ करिए और एडिशन कुछ कह रहा है, तो आप ऐसे अरेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रिक था, और ये ट्रिक हर जगह पे एप्लीकेबल है। अगर आपको ये ट्रिक यूज़ नहीं करना है तो वन मोर ट्रिक इज देयर, थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम, क्या पता वो आपको अच्छा लगे। एक और वो भी आसान ट्रिक है, लेकिन उसमें आपको एक दो चीज़ बस याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रिक वन जो है इसमें नथिंग टू, नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। अभी ट्रिक टू हम इसी क्वेश्चन को लेकर ही ट्राई कर लेते हैं। वन से हम टेन तक लेंगे, सॉरी वन से नाइन तक, एंड एडिशन कितना होगा, ऐड होगा 15। थोड़ा हम नेक्स्ट ट्रिक, ये ट्रिक नंबर टू है। यहाँ क्या करना है, बॉक्स होगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है, ये भी जल्दी हो जाएगा। देखते हैं, वन से नाइन यू हैव टू यूज, तो क्या करना है, आपको सबसे पहले पता करना है कि वन से नाइन के मिडिल वाला डिजिट कौन सा है, उसको बीचों बीच कौन सा नंबर आ रहा है। अगर हम सीरियल लिखेंगे यहाँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सबसे बीच में कौन सा आ रहा है, तो बहुत आसान है, ये वन टू थ्री फोर चला गया, यहाँ वन टू थ्री फोर चला गया, बीच में आ गया फाइव, फाइव को बीच में लिख दीजिए। सबसे पहला काम है, जो मिडिल का नंबर है उसको बीच में डाल दीजिए, फर्स्ट रूल इसका, ट्रिक टू का ये फर्स्ट रूल है, मिडिल नंबर को हम बीचों बीच डाल देंगे। अब क्या करेंगे, जो नंबर बीच में है इसमें से माइनस वन करेंगे, फाइव माइनस वन कितना है, फोर, यहाँ पर फोर लिखिए, यहाँ माइनस वन करेंगे, ऑपोजिट में इसके ऑपोजिट में प्लस वन करेंगे सिक्स, ओके, समझ में आ रहा है आपको, बहुत सिंपल ट्रिक से बेटा, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। माइनस वन किया हमने इस तरफ, यहाँ प्लस वन कर दिया, अब उसके बाद ये जो है यहाँ माइनस टू करेंगे, फाइव से माइनस टू थ्री, ऑपोजिट में क्या करेंगे, प्लस टू सेवन, ठीक है। अब कुछ बॉक्सेस बच गए, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें आना, पहले यहाँ माइनस वन के, यहाँ माइनस टू, यहाँ पर माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री क्या हुआ, टू, यहाँ पर प्लस थ्री एट, बचा क्या, माइनस फोर प्लस फोर, ठीक है, तो कर दीजिए माइनस फोर नीचे, फाइव माइनस फोर मतलब वन, और यहाँ प्लस फोर आपका आ गया नाइन, एंड यू गॉट द मैजिक स्क्वायर। चेक कर लीजिए, नाइन फोर टू फिफ्टीन, फाइव थ्री सेवन फिफ्टीन, एट वन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, यू गॉट द आंसर। तो ट्रिक टू भी बेटा बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं एक मैजिक स्क्वायर को। मैंने क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान रख दीजिए इस चीज़ को कि कैसे हम करेंगे, बीच में मिडिल नंबर रहेगा, मिडिल में जो नंबर है बीच में, जो बीचों बीच जो नंबर आ रहा है, अगर ये सपोज अगर टू से टेन होता, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लिया था, तो उसके बीच में सिक्स आ रहा है, तो बीच में सिक्स लिखेंगे, ठीक है। जो भी सीरियली नंबर्स होंगे उनके जो सेंटर का नंबर है, जो मिडिल का नंबर है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर करेंगे क्या, माइनस वन ये प्लस वन, ये माइनस टू ये प्लस टू, ये माइनस थ्री ये प्लस थ्री, और ये
माइनस फोर, ये प्लस फोर, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इसका बस इतना ही ट्रिक है, ठीक है। सो अभी ट्रिक वन ट्रिक टू दोनों हमने ट्राई कर लिया, तो आपको मैं अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करना। क्वेश्चन है, आपको यूज करना है यूज नंबर्स फ्रॉम 3 to 11। आपको 3 से 11 तक यूज करना है और उनका एडिशन क्या होगा, उनका आपका एडिशन निकालना है 21। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको 3 से 11 तक नंबर यूज कर सकते हैं, यू कैन नॉट रिपीट द नंबर्स, एंड उनको ऐसे मैजिक स्क्वायर बनाइए कि उनका सारे लाइंस के एडिशन 21 होना चाहिए। ये यू प्लीज ट्राई योर सेल्फ, आप कोई भी ट्रिक से इस नंबर को कोशिश करिए। सो आई होप यू एंजॉय द क्लास एंड यू लर्न टू ट्रिक्स अबाउट हाउ टू सॉल्व द मैजिक स्क्वायर, और आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़। हम आगे भी और बहुत सारे वीडियोज़ लाएंगे आपको समझाने के लिए, और बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे कंसेप्ट। ओके, टिल देन गुड बाय।